हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 1 सितंबर और 2 सितंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम ये शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं, आपको पता ही होगा। तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी सारी आने वाली अपकमिंग वीडियोज का अपडेट भी लगातार मिलता रहे। चाहे देखिए किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहती है। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखा करें। और अब स्टार्ट करते हैं आज का भी शो। तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठे। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिलीवर की नोट एड्रेस एट द 3rd यूएसआई एसपीएफ लीडरशिप समिट टुमारो। तो कल प्रधानमंत्री इस समिट को बेसिकली एड्रेस करेंगे और ये 3rd बेसिकली इस तरीके से लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिलीवर की नोट एड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया, एट द 3rd लीडरशिप समिट ऑफ। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लें, यूएसआई एसपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। तो इसको कल वो एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर खुद। अगर बात करें इसका जो थीम रखा गया, बेसिकली द समिट टाइटल्ड यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। तो ये बेसिकली इसका थीम रखा गया, हाईलाइट एरिया ऑफ इंडो यूएस बायलेटरल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक एनर्जी टाइज, कोलैबोरेशन इन फिनटेक, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एंड इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो इन सब पर जो है बेसिकली ये समिट में डिस्कशन चल रही है। देखिए ऑलरेडी ये समिट चल रहा है और इसमें अभी तक जो है खुद यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल अब तक इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वो भी एड्रेस कर चुके हैं इस समिट को। अगर बात करें समिट को कौन कौन अटेंड कर रहा है, तो बेसिकली टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स हो गए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है इसका पार्ट है इस समिट का, ठीक है। तो तीसरी बार जो इस तरीके से यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम जो है ये समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है और कल खुद यानी प्राइम मिनिस्टर इसको डिलीवर करेंगे एड्रेस को। और बेसिकली फोकस एरिया जैसे मैंने आपको बताया, एक तो बायलेटरल कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना इंडो यूएस के, जिसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक एनर्जी टाइज, कोलैबोरेशन इन फिनटेक, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की क्या पोजीशन रह सकती है। आपको पता है देखिए जब से COVID-19 का ये वायरस का स्प्रेड हुआ है तो कहीं ना कहीं चाइना से लोगों की जो एक पहले भरोसा था वो कहीं ना कहीं उठा है और अब एक तरीके से ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे बेस्ट ग्लोबल सप्लाई चेन के तौर पर उभर सकती है। तो उसमें देखिए इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहने वाला है। इसका थीम भी नोट डाउन कर ले, यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, ठीक है। तो कल इसका जो भी देखिए प्राइम मिनिस्टर इसमें बात रखेंगे तो उस पर भी हम फिर आगे नेक्स्ट करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट विजिट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है 3 दिन के लिए रशिया के दौरे पर जा रहे हैं, आज ही वो जाने वाले हैं। तो इस पर भी बात कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल लीव फॉर मॉस्को टुडे ऑन अ 3-डे विजिट टू रशिया टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। अब देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चाइना भी एक मेंबर है और ठीक है ना, और आपको पता है इस टाइम इंडिया और चाइना के बीच पे खासकर एलएसी पे लेके एलएसी पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट ये मीटिंग रहने वाली है। और अगर बात करें, मिस्टर सिंह इज विजिटिंग मॉस्को ऑन द इन्विटेशन ऑफ रशियन डिफेंस मिनिस्टर जो है जनरल शेरगी शोइगु, वो जो है उन्होंने इनको डिफेंस मिनिस्टर को पर्सनली इनवाइट किया है इसके लिए और जो है डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसटीओ और इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स सीआईएस, इन दोनों जो है मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे राजनाथ सिंह जी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, ड्यूरिंग हिज विजिट डिफेंस मिनिस्टर इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू मीट हिज रशियन काउंटर पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया जो शेरगई शोइगु है इनसे भी मिलेंगे टू डिस्कस बायलेटरल कोऑपरेशन इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड द विजिट मार्क्स वन ऑफ मेनी हाई पॉलिटिकल लेवल इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज। जैसे मैंने बताया कि इस टाइम आपको पता है एससीओ का एक तो मेंबर चाइना भी है, इंडिया भी है, ठीक है, पाकिस्तान भी है। तो और इस टाइम जो इंडिया और चाइना का एलएसी पर जो विवाद चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और इंडिया के जो रशिया के साथ खासकर डिफेंस से रिलेटेड रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। इंडिया काफी सारे जो डिफेंस का इक्विपमेंट्स है हमेशा रशिया से परचेज करता आया है। इसके अलावा भी आपको पता है S-400 जो मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है वो भी देखिए अभी रशिया से इंडिया को मिलने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये भी रहेगी, इसमें भी जो भी देखिए लेटेस्ट अपडेट्स होंगे इससे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देखिए टेलीकॉम कंपनीज जो है उनको काफी बड़ा एक रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखिए जिनको एजीआर पे करना था यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसको देखिए 10 साल का टाइम पीरियड दे दिया गया इन टेलीकॉम कंपनीज को। खासकर इसमें देखिए दो बड़ी कंपनीज है, एक वोडाफोन आइडिया और दूसरी कंपनी जो है वो एयरटेल।
ठीक है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का टाइम दे दिया, क्योंकि इनको देखिए कितना पैसा देना है, इन पे जो ड्यू है वो है 1.43 लाख करोड़ रुपीज, जो इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है, जो ये पूरा एक तरीके से स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं, जैसे 3G 4G स्पेक्ट्रम जब दिए जाते हैं, तो इनको देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना होता है, ठीक है ना। जो इनका देखिए ड्यू होते होते 1.43 लाख करोड़ के अराउंड, मेनली दो कंपनीज, एक वोडाफोन आइडिया और दूसरा कौन सा है, एयरटेल, ठीक है। देखिए जो जियो है उसने ऑलरेडी अपना जो ड्यू है वो पे कर दिया है। तो देखिए इन दोनों कंपनीज, आपको पता है अभी बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है कंपनीज, और अगर अभी इनको ये रिलीफ नहीं मिलता तो हो सकता है वोडाफोन आइडिया आपको जो है शायद वो बंद कर देता इंडिया में अपनी सर्विसेज देना। तो अभी एक अच्छा रिलीफ है जो 10 साल का पीरियड इनको मिल चुका है इन दोनों कंपनीज को मेनली। और ये देखिए जो जजमेंट है किसने डिलीवर किया है, बेंच ऑफ जस्टिसेस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एम आर शाह, इन्होंने देखिए सेंटर ने भी देखिए प्ली रखी थी दैट स्टैगर्ड पेमेंट ऑप्शन बी गिवन आउट टू बेल आउट द कंपनीज, यानी रेगुलर इंटरवल में 10 साल के अंदर ये पैसा दे देंगे। इस पर सेंटर ने भी कहा था कि इनको टाइम पीरियड दे देना चाहिए। और अगर बात करें कोर्ट ने देखिए क्लियरली कह दिया कि आपको 10 साल का ही टाइम पीरियड हम दे रहे हैं, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो आपको इन 10 साल के अंदर ही जो है इस पूरे पैसे को रिटर्न करना है। अगर बात करें डेडलाइन जो रखी गई है वो है 31 मार्च 2031 तक की, ठीक है, तब तक आपको ये सारा पैसा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसके अलावा मार्च 31, 2021 यानी अगले साल जो है 31 मार्च तक आपको इसका 10% जो है एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे करना है गवर्नमेंट को। तो ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है खासकर टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं जो डिपार्टमेंट है फर्टिलाइजर्स का, जो कि देखिए सबसे ज्यादा आपको पता है खेती के अंदर यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स, वो देखिए ऑब्जर्व कर रहा है स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1st to 15th September, ठीक है। तो ये पूरे 15 दिनों के लिए जो है स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर बात करें जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आते हैं इसके अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर फर्टिलाइजर्स वाले जो डिपार्टमेंट है वो सारे देखिए इसको ऑब्जर्व करेंगे इन 15 दिन को, बेसिकली स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो खुद केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर है DB सदानंद गौड़ा, उन्होंने कहा है कि जो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्वच्छता को लेकर पर्व एक तरीके से हैज गेन्ड इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस दिस ईयर इन व्यू ऑफ आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। आपको पता है देखिए इस टाइम पे COVID-19 की वजह से सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट यूज हो रहा है, जैसे PPE किट्स है वो देखिए वन टाइम यूज होती है, ठीक है, उसको एक बार यूज किया तो जितना प्लास्टिक इस टाइम पे जनरेट हो रहा है सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है, तो इसको भी देखिए काफी टाइम लग जाएगा इसको डीकम्पोज होने में। और प्लास्टिक आपको पता है वैसे ही हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी एक तरीके से डिस्ट्रक्शन का काम करता है, तो इसीलिए जो है इस टाइम पे जो है ये एक और एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस है इस टाइम पे स्वच्छता पर्व को ऑब्जर्व करने का। He said that the efforts of the entire fertilizer industry, dealers and traders will yield visible positive results in the country's endeavor for cleanliness. और कहा है कि देखिए positive results देखने की मतलब बात की जा रही है कि positive results आपको देखने को मिलेंगे इन 15 दिनों के बाद जो स्वच्छता का पर्व organize किया जा रहा है, और जो देखिए country का aim है cleanliness की तरफ उसको observe करने का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके visuals। और आखिरी आज का हमारा है देखिए राजीव कुमार, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखिए इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, तो उन्होंने फाइनली अब चार्ज संभाल लिया है कल ही यानी 1st of September से। अगर बात करें तो ही हैज फॉर्मली जॉइंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड विल बी वर्किंग अलोंगसाइड चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एट प्रेजेंट है मिस्टर सुनील अरोड़ा, और इलेक्शन कमिश्नर जो इनके अलावा दूसरे हैं मिस्टर सुशील चंद्रा, इनके साथ ये काम करेंगे। अगर बात करें इनकी अपॉइंटमेंट की तो खुद प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनकी अपॉइंटमेंट 21st of August को की थी, क्योंकि इनसे पहले जो देखिए इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर अशोक लवासा, जिन्हें देखिए वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट पे ADB के अंदर अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने जब उन्होंने रिजाइन किया तो इसके बाद जो है राजीव कुमार जी को इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। अगर बात करें इनकी अपॉइंटमेंट जो है राजीव कुमार जी की उस टाइम पे आई है जब देखिए बिहार के असेंबली पोल्स होने वाले हैं खासकर COVID-19 पेंडेमिक के दौरान। देखिए आपको पता है बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जो है वहाँ सबसे ज्यादा है बिहार के अंदर, तो वैसी जगह पे इलेक्शन कंडक्ट कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस टाइम पे अब इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, अब देखते हैं कि देखिए स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, तो पोलिंग बूथ ज्यादा बढ़ाए जाएंगे या एक पोलिंग बूथ में कितने लोग ज्यादातर वोट दे पाएंगे, इस तरीके से काफी सारे प्रोविजंस रखे गए हैं, बट स्टिल एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा कि इस पेंडेमिक के दौरान जहां पे लगातार देखिए अराउंड 70-80,000 रोज नए केसेस आ रहे हैं, तो वहां पे इस तरीके से एक इलेक्शन को कंडक्ट करना। तो जो भी देखिए इसमें भी अपडेट्स होंगे मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं राजीव कुमार जी की फोटो, और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर बात करें
तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com, जहाँ पे अभी देखिए हम ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट करा हुआ है हमने, जहाँ पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की कोचिंग को लेके काफी सीरियस है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्हें एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। जैसे आपको पता है अभी आईबीपीएस क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, आईबीपीएस पीओ की भी, इसके अलावा एसएससी को लेके भी आपको पता है काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, खासकर जो एस्पायरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है रिजल्ट्स को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, उसके बाद जो एसएससी ने अपडेट दिया है। तो उम्मीद है कि जल्दी एसएससी जो है सीजीएल 2020 का पेपर भी कंडक्ट होगा और सीजीएल 19 का भी जो टीयर 2 का एग्जाम होना है। तो आप प्रिपरेशन देखिए करते रहे, इसके साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक साल के लिए हम आपको पर्सनलाइज कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म में टेस्ट सीरीज सब, देखिए ई बुक्स जो आपको देखिए एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए चीजें रिक्वायर्ड होती है, तो आपको बस हमारे साथ जुड़ना है इसी तरीके से, और यूट्यूब चैनल को तो देखिए सब्सक्राइब कर ही लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।